तो गाइस क्या होगा अगर हम सरवाइव करने की कोशिश करें एक ऐसे वर्ल्ड में जो कि पूरा आयरन ओर का बना हो। इसका मतलब उस वर्ल्ड के सारे ट्रीज, वुड और स्टोन और सब कुछ बने हो आयरन ओर के। ये सुनने में तो बहुत ज्यादा इजी लगता है, लेकिन असल में ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हर एक मामूली चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज हम सर्वाइव करने वाले हैं इसी आयरन ओनली वर्ल्ड में, वो भी 100 डेज। तो वीडियो को अंत तक देखना जानने के लिए कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन आयरन ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज बोलने वाला हूँ। हम लोगों ने फाइनली कंप्लीट कर लिए 100 के सब्सक्राइबर्स, और अगर हम लोग का ऐसा ही ग्रोथ रहा तो हम लोग जल्दी 200 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। और आज का लाइक है मैं 3000 लाइक्स का, तो प्लीज कंप्लीट कर देना। अब चलिए वीडियो जल्दी करते हैं शुरू। सो डे 1 पे हम लोग स्पॉन हुए थे इस वर्ल्ड में, और इस वर्ल्ड के चारों तरफ बस आयरन ही आयरन था, मतलब जहां देखो बस आयरन ओर। और यहाँ पे ज्यादा कुछ करने के लिए था भी नहीं, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई ट्रीज थे ना ही कोई एनिमल्स। तो हम लोग चले गए इस विलेज ढूंढने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत सारे फूड और बहुत सारे वुड भी मिल सकते हैं। सो फाइनली बहुत देर भटकने के बाद हमें मिल गया एक विलेज, और इस विलेज में बहुत सारा खाना और बहुत सारा वुड भी था। तो हम लोग जल्दी जल्दी चले गए हे बेल्स को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अपने पास हंगर बार बहुत ज्यादा कम था। एंड देन मैंने वहाँ के सारे हे बेल्स कलेक्ट कर लिए। सो हे बेल्स कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे चला गया थोड़े बहुत वुड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे चाहिए था यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल, जैसे कि मैं एक वुडन पिकैक्स बना पाऊँ। सो फाइनली इनफ वुड होने के बाद मैंने उस वुड का प्लैंक्स बना लिया, एंड देन फाइनली एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया, एंड देन मैंने एक वुडन पिकैक्स बना लिया, जैसे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कॉबलस्टोन माइन कर पाए। एंड देन मेरे पास जितने सारे हेबल्स थे सारे के मैंने ब्रेड बना लिया, एंड देन मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल लिया, मैंने भाई को भी थोड़ा बहुत ब्रेड दे दिया, एंड देन चले गए हम लोग थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन करने के लिए। सो एक्सप्लोरेशन करने से पहले खाना बहुत ज़्यादा जरूरी था, तो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत ब्रेड खा लिया और अपना हंगर बार भी फुल कर लिया, और भाई ने भी मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत मीट और बाकी कुछ सामान दे दिए, तो मैंने उसको भी ले लिया। सो उसके बाद मैं यहाँ पे एक लाइब्रेरियन का घर लूट रहा था, और भाई मुझे वहाँ पे बुलाने लगा, तो मैं जल्दी जल्दी वहाँ पे दौड़ के गया देखने के लिए क्या है। और वहाँ पे हमें एक लाइब्रेरियन मिला जो कि मेंडिंग बुक सेल कर रहा था, मतलब समझ लो पहला अटेम्प्ट में मेंडिंग, मतलब हम लोगों ने ट्राई भी नहीं किया था, वो पहले से ही हम लोग का रखा हुआ था, और ये विलेजर पहले से मेंडिंग सेल कर रहा था। तो भाई इस विलेजर को जाने तो देना नहीं था बिल्कुल, लेकिन अपने पास अभी एमरल्ड भी नहीं है, तो हम लोग कैसे ही खरीद सकते हैं ये मेंडिंग बुक। सो उस विलेजर को मैंने साइड में छोड़ दिया, एंड देन मैं चला गया थोड़े बहुत कॉबल स्टोन कलेक्ट करने के लिए। एंड देन थोड़ी देर तक मैंने बहुत सारे कॉबल स्टोन कलेक्ट किया, पूछना मत कि मुझे ये कॉबल स्टोन मिले कहाँ से। एंड देन इनफ कॉबल स्टोन होने के बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारे कॉबल स्टोन के टूल्स बनाए, जैसे कि एक्स और पिकैक्स, और मैंने एक पिकैक्स भाई को भी दे दिया। एंड देन मैं चला गया डायरेक्टली आयरन माइनिंग करने के लिए, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली आयरन के टूल्स और आर्मर्स भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद इतना सारा आयरन देख के मैंने पूरी रात वहाँ पे आयरन की माइनिंग की। तो फाइनली हो गई थी सुबह, और मेरे पास यहाँ पे आ चुके थे बहुत सारे आयरन, तो मैंने जल्दी जल्दी बहुत सारे फर्नेसेस बनाए, थोड़े बहुत स्टिक्स बनाए, एंड देन मैंने आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। एंड देन बहुत देर वेट करने के बाद फाइनली अपना आयरन हो चुका था यहाँ पे स्मेल्ट, तो मैंने जल्दी जल्दी सारे आयरन को यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। एंड देन इनफ आयरन होने के बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारे आयरन के टूल्स बनाए और आर्मर बनाया, जैसे कि चेस्ट प्लेट, हेलमेट, पैंट्स, बूट्स और बाकी सब। सो ये सब करने के बाद मैंने अपने फाइनेंसेस को जल्दी जल्दी कलेक्ट किया, एंड देन मैं चला गया भाई को उसका आर्मर देने के लिए। एंड देन मैंने भाई को भी उसका आर्मर दे दिया, एंड मैंने भी पहन लिया, और अब हम लोग प्रोटेक्टेड थे आयरन आर्मर पहनने के बाद। और अब भाई हमें अच्छा लग रहा था स्पेशली आयरन आर्मर पहनने के बाद, क्योंकि अब थोड़ा बहुत हम लोग प्रोटेक्टेड थे, क्योंकि हार्डकोर में ना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, आप मतलब छोटा सा गलती करेंगे और आपका वर्ल्ड डिलीट हो सकता है। लेकिन अब हम लोग का कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि अब हम लोग प्रो बन चुके थे और हम लोग मॉब्स को भी ईजिली फाइट कर सकते हैं। सो उसके बाद मैंने थोड़े बहुत यहाँ पे एनिमल्स मारे, क्योंकि अपने पास थोड़ी बहुत खाने की कमी हो रही थी। सो एनिमल्स मारने के बाद हमने सोचा कि थोड़े बहुत विलेजर्स के साथ ट्रेड भी कर लेना चाहिए, जैसे कि हम लोग के पास बहुत सारे एमरल्ड हो जाए, तो मैंने जल्दी जल्दी बहुत सारे वुड कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। सो यहाँ पे हम लोग वुड कलेक्ट कर रहे थे, और हमें रियलाइज हुआ कि इस विलेज में तो फ्लेचर है ही नहीं, तो हम लोग ट्रेड किससे करेंगे। तो उसके बाद मैंने जितने सारे वुड कलेक्ट किए थे उसको अपने पास रखा, एंड देन उसके बाद थोड़ा बहुत विलेज को भी लूट लिया। सो फाइनली अब टाइम हो गया था इस विलेज को छोड़ के दूसरा विलेज जाने का, क्योंकि इस विलेज में और कुछ भी नहीं था, हमने सब कुछ कलेक्ट कर लिया था इस विलेज में। और मैं भाई को बोलने गया और गलती से उसको थोड़ा बहुत हिट कर दिया, और ये उसको पसंद नहीं आया और मुझे वो मारने लगा। मतलब हाँ भाई मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरे पीछे दौड़ा तो मुझे मारने के लिए, और दौड़ते दौड़ते हमें और एक विलेज मिल गया, मतलब सोचो यार। सो हमें दूसरा विलेज भी मिल गया, और इस विलेज में भी बहुत सारे लूट थे, तो जल्दी जल्दी हम लोग गए उस विलेज को लूटने के लिए। एंड पहला चेस्ट में मुझे बहुत सारा खाने का चीज़ मिल गया, तो मैंने उसको भी कलेक्ट कर लिया। एंड इस विलेज में बहुत सारे हेबल्स थे, और हेबल्स को कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं, तो मैंने सारे हेबल्स को कलेक्ट कर लिया।
एंड देन फाइनली मुझे एक घर में स्मोकर भी मिल गया, और स्मोकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने उसको भी कलेक्ट कर लिया। सो हम लोग इधर से उधर दौड़ दौड़ के बहुत ज़्यादा थक गए थे, और हमें चाहिए था एक घर रहने के लिए, तो हमने एक विलेजर का घर ले लिया। और ये विलेजर पहले मान नहीं रहा था जाने के लिए, तो आपको पता है हमने उसके साथ क्या किया, मतलब मारा नहीं भाई, प्यार से बोला उसको जाने के लिए। सो उसके बाद अपने घर में हमने बहुत सारे चेस भी प्लेस कर दिए, और फालतू के सारे सामान उस चेस में रख दिए। एंड देन मैंने बहुत सारे स्मोकर और ब्लास्ट फैनेंस भी प्लेस कर दिए, जैसे कि हम लोग अपने सामान को स्मेल्ट कर पाए। सो इस विलेज में एक फेंस में पहले से एक पिग रखा हुआ था, और मुझे एक पिग मिल भी गया, तो मैंने उसको पोटेटो से लियोर करके अंदर लाया एंड उन दोनों की ब्रीडिंग करवा दी। मतलब खाने के लिए कुछ होना चाहिए ना अपने वर्ल्ड में, कब तक हम लोग ब्रेड खाते हुए रहेंगे। सो ये सब करने के बाद हमें चाहिए था एक डायमंड आर्मर, जिसके लिए लगेंगे एमरल्ड, जिसके लिए लगेगा एक फ्लेचर, तो हम लोग चले गए दूसरे विलेजर एक फ्लेचर की तलाश में। सो हम लोग यहाँ पर ट्रैवल कर ही रहे थे, और थोड़ी दूर के बाद हमें मिल गया एक रुइन नेदर पोर्टल, और उस रुइन नेदर पोर्टल में बहुत अच्छी अच्छी लूट होने वाली थी, तो हम लोग जल्दी जल्दी गए उस लूट को चेक करने के लिए। सो भाई यहाँ पे अपना लग बहुत ज़्यादा ओपी चल रहा था, क्योंकि इस रुइन नेदर पोर्टल में हमें बहुत सारे फ्लिट मिल गए, जिससे हम लोग एक फ्लेचिंग टेबल बना सकते हैं। सो उसके बाद मैंने उस रुइन नेदर पोर्टल का सारा लूट को भी कलेक्ट कर लिया, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉक्स भी थे, तो मैंने उसको भी कलेक्ट कर लिया डेकोरेशन करने के लिए। मतलब भाई इस ब्लॉक से बहुत ही ज़्यादा अच्छा नेदर पोर्टल बनता है, और बहुत अच्छे आप डेकोरेशन भी कर सकते हैं, इसलिए हमने सारे ब्लॉक्स को कलेक्ट कर लिया। एंड देन हम लोग चले गए एक विलेज ढूंढने के लिए। हाँ मतलब अपने पास यहाँ पे एक फ्लेचिंग टेबल तो मिल गया था, लेकिन विलेज लूटने का मज़ा कुछ अलग ही है यार। सो उसके बाद हमें एक विलेज मिल गया, और वहाँ पे बहुत सारे फिर से हेबल्स रखे हुए थे, और हेबल्स को कैसे छोड़ सकते, तो सारे हेबल्स मैंने फिर से कलेक्ट कर लिए। मतलब 5-6 जन्म तक तो हमें खाने की टेंशन ही नहीं करनी पड़ेगी। देन विलेज में एक स्मिथिंग टेबल भी था, तो मैंने उसको भी कलेक्ट कर लिया। एंड अपने पास सीड की बहुत ज़्यादा कमी थी, और यहाँ पे एक फार्मर भी था, तो हमने उसको भी कलेक्ट कर लिया, मतलब सब कुछ कलेक्ट कर लिया। फिर हमें याद आया कि अपने विलेज में तो विलेजर नहीं है, मतलब सबको जॉम्बी ने मार दिया, तो हमने सोचा कि इसी विलेज में बहुत सारा ट्रेडिंग कर लेते, तो मैंने उसके बाद एक फ्लेचिंग टेबल बना लिया। एंड देन मैं चला गया ट्रेडिंग करने के लिए। सो पहले तो हमें इस विलेज में भी विलेजर मिल नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि इस विलेज में एक ही जगह पर सारे विलेजर्स थे। सो उसके बाद मैंने सारे विलेजर्स के घर से वुड ले लिया, एंड देन उसको स्टिक से कन्वर्ट कर लिया। एंड उसके बाद मैंने बहुत सारी ट्रेडिंग की। सो उसके बाद हमने बहुत देर तक ट्रेडिंग किया, और आप देख सकते हैं हमें कितना सारा एमरल्ड मिल गया, और ये एमरल्ड इनफ था हम लोगों को आर्मर लेने के लिए, तो हम लोग चले गए अपने घर के लिए। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे अपने घर, और भाई घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि ये वाला विलेज बहुत ज़्यादा दूर था। तो उसके बाद मैंने अपना स्मोकर ले लिया, एंड देन चला गया विलेजर्स के साथ ट्रेडिंग करने के लिए। और हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा विलेजर्स तो नहीं थे, लेकिन एक घर में हमने दो विलेजर्स को कैप्चर करके रखा था इमरजेंसी केस के लिए, कि अगर विलेजर खत्म हो जाते तो उनकी ब्रीडिंग करवा पाए। सुन में से एक विलेजर को मैंने आर्मर बना लिया, और उसके बाद मैंने बहुत सारी ट्रेडिंग की उससे। सो फाइनली बहुत देर ट्रेडिंग करने के बाद यह हमें फुल सेट ऑफ डायमंड इंचेंटेड आर्मर दे रहा था, लेकिन अपने पास एमरल्ड की थोड़ी बहुत कमी थी, तो बस इससे मैंने हेलमेट, पैंट्स और बूट्स ही ट्रेड किया। तो उसके बाद मैं इनफ एमरल्ड लेके वापस आ गया, एंड देन फाइनली मैंने इससे चेस्ट प्लेट भी ट्रेड कर ही लिया, और अपना डायमंड सेट ऑफ आर्मर हो गया था फाइनली कंप्लीट। एंड देन उसके बाद भाई को भी मैंने उसका डायमंड सेट ऑफ आर्मर दे दिया, एंड देन मैंने भी अपना डायमंड सेट ऑफ आर्मर पहन लिया, और अब हम लोग थे बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड, मतलब अब कोई भी मॉब हमें छू भी नहीं सकता था। बस इसमें थोड़े बहुत अच्छे इंचैंटमेंट करने की ज़रूरत थी, लेकिन वो हम लोग बाद में कर लेकिन अभी के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड थे। और अब हमें बनाना था थोड़े बहुत बिल्ड, जैसे कि अपना घर बनाना था, और एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल भी बनाना था, जिसके लिए चाहिए था हमें एक ट्री फार्म, तो मैं जल्दी जल्दी एक ट्री फार्म के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। सो ये एक सिंपल सा ट्री फार्म होने वाला है, जिसमें मैंने बहुत सारे ब्लॉक्स को माइन किया पहले, एंड देन उस ब्लॉक्स के जगह मैंने डर्ट ब्लॉक प्लेस किया, एंड देन सारे सैपलिंग को यहाँ पे प्लेस कर दिया। सो उसके बाद जैसे ही कोई मॉब स्पॉन ना हो, मैंने हर एक जगह पे टॉर्चेस प्लेस कर दिया, एंड देन फाइनली अपना ट्री फार्म हो गया था रेडी। अब बस हमें एक फूड फार्म चाहिए था, जहाँ पे हम लोग पोटेटो, वीट और बाकी सब कुछ ग्रो कर पाए, तो उसके ऊपर काम करना हमने स्टार्ट कर दिया। सो फाइनली अपना फार्म हो गया था रेडी, और मैंने सारे यहाँ पे पोटेटो, सीड और बाकी सब कुछ जो जो था मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिए।
और अपना फार्म यहाँ पे थोड़ा बहुत अजीब दिख रहा था क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिजाइन नहीं था और बहुत ज्यादा लेम दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत डिजाइन भी कर दिया अपने फार्म को। सो फाइनली अपना फार्म कुछ ऐसा दिख रहा था और बहुत देर के मेहनत के बाद ये आया। मतलब हम लोग बहुत ज्यादा नूब बिल्डर है ना, इसलिए हमें बिल्ड करना ज्यादा आता नहीं है। तो चलिए मैं आपको एक बार अंदर से भी दिखा देता हूँ। सो अंदर से भी ये कुछ ऐसा दिखता है, मतलब पहले से तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। देन हमें यहाँ पे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर मिला था जिससे मैंने बहुत सारे पम्पकिन ट्रेड कर लिए, जैसे कि मैं पम्पकिन को भी ग्रो कर पाऊँ, एंड देन मैंने उसको मार दिया। सो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत और कुछ काम करना था अपने फार्म के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे पहले तो वुड कलेक्ट की, क्योंकि वुड के अपने पास बहुत ज्यादा कमी है। मतलब देख रहे हो, आपको लग सकता है कि ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा ईजी है क्योंकि यहाँ पे इन्फिनाइट आयरन है, लेकिन असल में ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है नॉर्मल वर्ल्ड से भी। सो उसके बाद मैंने सारे सैपलिंग्स को यहाँ पे प्लेस कर दिया एंड फाइनली अपना फार्म कुछ ऐसा दिख रहा था और ये बहुत ही ज्यादा ओपी लग रहा है। मतलब छोटे छोटे डिटेल बहुत ज्यादा अच्छा बनाते हैं आपके बिल्ड को। सो आप कमेंट डाउन करके जरूर बताना आपको ये बिल्ड कैसा लगा। सो अब हमें चाहिए था एक डायमंड का पिकैक्स, जो कि मिल सकता है हमें टूल्स में से, लेकिन टूल्स में को अपग्रेड करना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो मैं जल्दी जल्दी गया फ्लेचर के पास और बहुत सारे यहाँ पे एमरल्ड की ट्रेडिंग कर ली। सो उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत सारे बेड प्लेस कर दिए एंड देन मैंने इस विलेजर को ब्रीडिंग करने के लिए खाना भी दे दिया, क्योंकि अपने पास विलेजर ही नहीं थे भाई। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब अपने पास बहुत सारे विलेजर्स होने वाले हैं। सो उसके बाद हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे थे अपने ट्रेडिंग हॉल के ऊपर, जिसके लिए पूरा विलेज मुझे खाली चाहिए था। तो उसके बाद मैंने लास्ट विलेजर के घर को भी तोड़ दिया। सो फाइनली अपने पास बहुत सारे एमरल्ड हो चुके थे फ्लेचर के साथ ट्रेड करने के बाद, लेकिन अपने पास विलेजर ही नहीं बचे थे। तो मैं दूसरा विलेजर गया, जैसे कि एक विलेजर को टूल्स में द्वारा पाऊँ एंड उनसे एक डायमंड का पिकैक्स ट्रेड कर पाऊँ। सो हम लोग एक नए विलेज में पहुंच गए ट्रैवल करते करते, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो क्योंकि हम लोग को अब ऑल लूट मिल सकता है। और उस विलेज में था एक ब्लैकस्मिथ का घर, तो मैं जल्दी जल्दी उस ब्लैकस्मिथ के घर गया और एक लावा बकेट भी कलेक्ट कर लिया, जैसे कि कॉबलस्टोन जनरेटर बना पाऊँ। एंड देन हमने उस चेस्ट को चेक किया और उस चेस्ट में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइटम था, जो कि था डायमंड। और बस हमें अब दो डायमंड चाहिए डायमंड पिकैक्स बनाने के लिए, या तो एक और डायमंड चाहिए जैसे कि हम लोग एक एन्चेंटमेंट टेबल बना पाए। सो उसके बाद इस विलेज से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए और इतनी खुशी के कारण हमने उस पूरे विलेज को लूट लिया। देन फाइनली मैंने एक विलेजर को टूल्समिथ बना दिया एंड उसके बाद मैंने उसके साथ बहुत सारी ट्रेडिंग की। सो फाइनली बहुत ज्यादा देर ट्रेडिंग करने के बाद ये मुझे दे रहा था एक डायमंड का शवल, तो मैंने उससे जल्दी जल्दी 3 डायमंड के शवल ट्रेड कर लिए। एंड देन उसके बाद मुझे वो एक पिकैक्स भी दे रहा था, तो मैंने उसके साथ पिकैक्स भी ट्रेडिंग कर ली। और अब भाई हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि डायमंड का पिकैक्स मिलने के बाद हम लोग ऑब्सीडियन भी माइन कर सकते। तो मैं जल्दी जल्दी गया और भाई को भी उसका डायमंड का पिकैक्स और शवल दे दिया। एंड देन भाई डायमंड का पिकैक्स लेके हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थे। और उसके बाद हमें एक लाइब्रेरियन के साथ भी ट्रेडिंग करनी थी क्योंकि हमें चाहिए था थोड़े बहुत बुक्स, तो मैंने यहाँ पे एक लाइब्रेरियन के पास बहुत सारे बुक्स भी ले लिए। सो फाइनली इस विलेज से हम लोग का सारा काम हो चुका था ओवर, तो हम लोग चले गए अपने विलेज के तरफ। और आप देख सकते हैं अपने विलेज में ये है अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल अभी के लिए, जहाँ पे अपने सारे विलेजर्स रहते हैं और यहाँ पे अपने पास बहुत सारे विलेजर्स हो चुके हैं। सो ये सब करने के बाद मैं डायरेक्टली अपने घर गया दौड़ते दौड़ते एंड सारे फालतू के सामान को चेस्ट में रख दिया। सो उसके बाद हमने एक कॉबलस्टोन जनरेटर भी बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने लावा लाया था पहली बार विलेज से एंड देन उससे हम लोग कॉबलस्टोन जनरेटर भी बना सकते हैं, मतलब अपने पास इन्फिनाइट कॉबलस्टोन होने वाला है। सो कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने के बाद हमने यहाँ पे बहुत सारी कॉबलस्टोन यहाँ पे माइनिंग की, क्योंकि अपने को चाहिए था एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल जिसके लिए बहुत सारे कॉबलस्टोन लगने वाले हैं। एंड देन फाइनली बहुत सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट होने के बाद हमने अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया।
सो फाइनली अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाना हो गया था ओवर। ये कुछ ऐसा दिखता है, मतलब भाई हमें तो बहुत ही ज्यादा ओपी लग रहा है, और एक बार मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, अंदर से भी ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और आप देख सकते हो भाई, मतलब कितने सारे आयरन गोलम यहाँ पे स्पॉन हो चुके हैं, मतलब कम से कम 7-8 आयरन गोलम यहाँ पे स्पॉन हो चुके हैं। सो चलिए मैं आपको एक बार विलेजर ट्रेडिंग हॉल को साइड से दिखा देता हूँ। तो साइड से अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पे लैंटर्न भी लगे और भाई ने यहाँ पे नीचे स्टेयर्स भी लगाया है, और ये बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है। और मैं अगर पूरा आपको घूम के दिखा दूँ तो अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल बहुत ज्यादा बड़ा और यहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स भी रह सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार अंदर से भी दिखा देता हूँ अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल को। सो यहाँ पे अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल में बहुत सारे विलेजर है, लेकिन सारे नल्ले, तो मैंने सारे को यहाँ पे वर्क स्टेशन से काम दे दिया। एंड देन मैं यहाँ पे एक आयरन गोलम को मारने की सोच रहा था, लेकिन ये आयरन गोलम बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, तो मैंने अपना प्लान को चेंज कर दिया। सो उसके बाद चला गया अपने क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए, जैसे मैं अपने थोड़ा बहुत ब्रेड बना पाऊँ एंड विलेजर्स को दे पाऊँ, जैसे कि वो और ब्रीडिंग कर पाए। सो अब हमारा टाइम था इंचारमेंट करने का, लेकिन अपने पास लैपिश नहीं थे, तो मैं जल्दी जल्दी गया अपना ब्रूइंग स्टैंड लेके और एक विलेजर को क्लरिक बना दिया, क्योंकि क्लरिक हमें लैपिश ट्रेड कर सकते हैं। सो मैंने एक ब्रूइंग स्टैंड प्लेस किया एंड देन एक विलेजर आया जो कि क्लरिक बन गया। एंड देन मैंने उसके साथ बहुत सारे पहले तो रेडस्टोन के ट्रेड कर लिए, जैसे कि वो अपना लैपिश लॉजुली का ट्रेड ओपन कर ले। एंड देन जस्ट थोड़ी देर ट्रेडिंग करने के बाद वो अपना लैपिश लॉजुली दे रहा था, तो मैंने उसके साथ बहुत सारे लैपिश लॉजुली के ट्रेड कर लिए। देन मैंने फाइनल अपने इंचारमेंट टेबल पे प्लेस कर दिया। देन जो विलेजर्स से मैंने बुकशेल्फ लाए थे उसको भी मैंने प्लेस कर दिया। सो ये सब करने के बाद मैंने अपने सारे आर्मर्स और टूल्स को ग्राइंड कर लिया, जैसे मैं उसको इंचैंट कर पाऊँ। एंड देन इंचारमेंट चेक किया और भाई कितने ज़्यादा ओपी इंचारमेंट थे, तो मैंने सबको इंचैंट कर दिया। एंड देन फाइनली ये है इंचारमेंट का रिजल्ट, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और अपने पास इतने ओपी इंचारमेंट, मतलब प्रोटेक्शन 4 के इंचारमेंट, एंड देन मेरे पास यहाँ पे एफिशिएंसी के इंचारमेंट, मतलब सब कुछ है अपने पास। एंड देन भाई ने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपी इंचार्ट कर लिए थे, मतलब अब हम लोग यहाँ पे थे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। अब बस हमें यहाँ पे एक घर की ज़रूरत थी, तो हमने अपना घर के ऊपर काम करना भी स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली अपना घर बन के यहाँ पे हो चुका था रेडी, और अपना घर बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा था। आप भी कमेंट डाउन करके जरूर बताना कि आप इस घर को 10 में से कितना रेट देना चाहोगे। तो चलिए मैं एक बार सामने से आपको ये घर दिखा देता हूँ। तो सामने से ये घर कुछ ऐसा दिखता है, मतलब ये घर बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोजी, और यहाँ पे अंदर में बहुत ज़्यादा रूम भी है। साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, साइड से अपना घर कुछ ऐसा दिखता है, जो कि बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है। इस घर को हमने अपने से बनाया है। और अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक डॉक यार्ड, जहाँ पे हम लोग बैठ सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग अपने शील्ड भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार अंदर जाके भी दिखा देता हूँ। तो अंदर में यहाँ पे अपना बेडरूम, और यहाँ पे बहुत सारे चेस्ट, जहाँ पे आप लोग अपने सामान को भी शिफ्ट कर सकते हैं। सो हमें तो भाई ये घर बहुत ज़्यादा ओपी लगा, आप भी ज़रूर कमेंट डाउन करके बताना कि आपको ये घर कैसा लगा। सो फाइनली हमारे 50 डेज के यहाँ पे कंप्लीट, और हमें बहुत ज़्यादा मजा आया 50 डेज में, क्योंकि हमने बहुत सारी बिल्डिंग की, बहुत सारे जगहों को एक्सप्लोर किया, बहुत सारे विलेजेस भी लूटे। सो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप ये सब भी वीडियोस देख सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा ओपी है।